नहीं, कल सुबह से प्रदेश में अत्यधिक बारिश हो रही थी और आज सुबह 4:40 के करीब क्लाउड बस्ट हुए। मंडी जिला में क्लाउड बस्ट हुआ, शिमला जिला में क्लाउड बस्ट हुआ, कुल्लू जिला में क्लाउड बस्ट हुआ। 4:40 सुबह के वक्त हमारा रामपुर क्षेत्र में एक जगह है जहां क्लाउड बस्ट हुआ, जिसके कारण नदी के किनारे जो लोग रह रहे थे उसके कारण उससे काफी क्षति प्रदेश को हुई। अभी तक सूचना के मुताबिक 50 लोग मिसिंग है और 2 लोगों की डेड बॉडी को रिकवर कर लिया गया है। निश्चित रूप से एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम और हमारे डिप्टी कमिश्नर्स, हमारे एसडीएम सब घटनास्थल पर है, पुलिस विभाग घटनास्थल पर है। सुबह से हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर तकरीबन 7 बजे से लगातार मेरे संपर्क में है। अभी हमारी अधिकारियों की उच्चस्तरीय बैठक हुई है, सभी प्रकार के प्रबंध हमने करने के निर्देश सुबह रेवेन्यू मिनिस्टर के माध्यम से सभी डिप्टी कमिश्नर्स को दे दिए गए थे। सेना से भी मदद मांगी गई है और काफी नुकसान प्रदेश को अभी हुआ है और अभी अगले 36 घंटे में यह और अधिक बारिश होने की संभावना है। मैं हिमाचल प्रदेश के सभी जो हमारी लोग हैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वो नदी नालों के किनारे नहीं जाएं और जहां भी नदी नालों में क्रॉस करने की कोशिश ना की जाए, अभी अपने सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। इस दृष्टि से हमने सारे जगह डिप्टी कमिश्नरों को एडवाइजरी जारी कर दी है। सर, इसके पानी वगैरह छोड़ा जा रहा है। इसके अलावा जो भी हमारी एयरफोर्स की जो सेना है उसको हमने तैयार रहने के लिए कहा है, एयरफोर्स को भी तैयार होने रहने के लिए कहा है और अभी अधिकारियों की बैठक में सभी अधिकारी चीफ सेक्रेटरी जी के नेतृत्व में बैठकर इसका जायजा ले रहे हैं। मैं और रेवेन्यू मिनिस्टर साइट पर विजिट करने के लिए जैसे ही मौसम खुलता है हम इसमें साइट पर मैं खुद भी जा रहा हूँ।